दोस्तों, जैसे कि मैं फर्स्ट एपिसोड में चंद्रगिरी हिल का बोला था, केबल कार के उतरने के बाद थोड़ा सा 5 या 10 मिनट समय पैदल में जाना पड़ेगा। सो हम लोग आगे बढ़ते रहे और आसपास का जितना नेचुरल व्यू और सीनरी है आप लोग को दिखाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए। बालासन मंदिर बाबा इधर से आएगा आगे क्यों देखो तो उधर भी मौसम क्लियर नहीं है। अन्नपूर्णा जले शिमाल भी सब दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा मौसम अच्छा नहीं है। घुमानी जगह है, रिजॉर्ट रिजॉर्ट उधर तो फिर आना भी है। राखेल हो रहा है वहाँ पे चला गया। दोस्तों, अगर आप लोग चाहे तो अपने फैमिली के साथ जिप लाइन में एंटरटेनमेंट कर सकता है। अभी हम लोग टॉप चंद्रशेखर हिल में पहुंच गए हैं। यहाँ का वातावरण और ब्यूटीफुल सीनरी और लेंस का कैसा आप लोग देखते रहिए। हम लोग हर जगह में आप लोग को घूमते दिखाएंगे, आप लोग देखते रहिए। फेमस्ट चंद्रशेखर टॉप हिल में बालेश्वर मतलब भगवान भोलेनाथ की टेंपल है। हम लोग माथा टेकने के लिए अभी जा रहा हूँ, आप लोग को दिखाते रहेंगे। आप लोग देखते रहेंगे। आइए ना आप अंदर का यहाँ से ले सकते हैं ना, यहाँ से ले सकते हैं। बस
बालेश्वर मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। अन्नपूर्णा गणेश हिमाल है। दोस्तों, असल में चंद्रगिरी हिल्स सच में बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है यार। आप लोग अपना फैमिली के साथ वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग देखते रहिए। व्यू पॉइंट जो दूरबीन से सागर माथा का दिखाई देता है आराम से। व्यू पॉइंट हाई भी नहीं है ना, ये है नेपाल का पहले का राजा जो नेपाल को एक किया था, एकीकरण किया था। उनसे पहले नेपाल में बहुत अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा था, ये इसी ने नेपाल को एक ही किया है। इसका नाम है पृथ्वी नारायण शाह। ये सब आ जाओ मान लो और कुछ शिकायत है। हां मैं नहीं दिशा दो है।
सर इधर आइए वॉशरूम जा रहे खाई मिस्टेक दोस्तों चंद्रगिरी हिल्स का जो वीडियो आप लोग को आप लोग को दिखाया कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और एक रिक्वेस्ट है, अपना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि हम लोग एनकरेज मिलते रहे और दूसरे जगह पे घूम के आप लोग को दिखाएं।